नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं YouTube चैनल CS Tech। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके पास इंडियन ओवरसीज़ बैंक का अकाउंट है और उसमें आधार नंबर लिंक नहीं है तो आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से कैसे आधार लिंक करेंगे अपने बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो इसी की जानकारी मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो से बने रहें और इसे शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। तो चलिए जान लेते हैं किस तरह से आप लोग इंडियन ओवरसीज़ बैंक में अपना आधार नंबर लिंक करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने रेड कलर वाले बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलिए हम बता देते हैं कि आप किस तरह से इंडियन ओवरसीज़ बैंक में अपना आधार नंबर लिंक करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि मैं इस समय इंडियन ओवरसीज़ बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ जहाँ से आपको आधार लिंक करना है अपने अकाउंट में। ठीक है, तो दोस्तों इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से इस पोर्टल पर आ जाएंगे। ठीक है, इस पोर्टल पर आने के बाद आपको क्या करना है, आप लोग देख रहे हैं SBCDCC अकाउंट नंबर। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस फर्स्ट कॉलम में आपको अपना अकाउंट नंबर लिख देना है। ठीक है, और अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप आधार नंबर पर टिक करेंगे। ठीक है, अगर आप वर्चुअल आईडी के द्वारा आप लिंक करना चाहते हैं आधार नंबर अपने अकाउंट में तो आप वर्चुअल आईडी पर क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ आधार नंबर, ठीक है, वर्चुअल आईडी आपको इंटर कर देना है इस कॉलम में। ठीक है, ये कॉलम जो है इसमें आपको अपना आधार नंबर या वर्चुअल आईडी जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ ये कैप्चा जो दिखाई दे रहा है इस कॉलम में, कैप्चा को इंटर कर देना है। ठीक है, अब देखिए कैप्चा को इंटर करने के बाद यहाँ पर एक देखिए चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर आपको टिक करना होगा। ठीक है, टिक करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे दिया गया नेक्स्ट, ठीक है, आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद अगला जो पेज है आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक में मेरा कोई अकाउंट नहीं है। ठीक है, और ना मेरे क्षेत्र में ये बैंक है। ठीक है, वैसे आपके पास अगर इंडियन ओवरसीज़ बैंक का अकाउंट है, आधार नंबर है, तो आप इसमें जो है अकाउंट नंबर भरकर और आधार नंबर और कैप्चा भरकर जब नेक्स्ट करेंगे तो अगला पेज आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगा और उस पेज में आपसे जो भी डिटेल मांगा जाएगा उसको आपको फिलअप करना होगा और जैसी भी प्रक्रिया होगी, ठीक है, आप अपना आधार नंबर लिंक कर सकते हैं अपने अकाउंट में। दोस्तों, अगर मेरे पास इंडियन ओवरसीज़ बैंक का अकाउंट होता तो मैं भी करके आप लोगों को दिखा देता। ठीक है, तो इसके आगे मैं नहीं दिखा पाऊँगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इस बैंक में अपना आधार नंबर लिंक करना चाहते हैं तो इस तरह से आप लोग इंडियन ओवरसीज़ बैंक में अपना आधार नंबर लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।